नमस्कार, आभार अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं पहुंचा हूं शुक्र तीर्थ शुक्रधाम। इसका पहला नाम शुक्रताल था, जो तीर्थ नगरी है। और इसी नगरी में मेरे साथ कानपुर से कुछ लोग आए हैं श्रद्धालु। इनसे बात करते हैं, वो बताओ, इनसे बात करते हैं इनको अगर कैसा लगा। आइए जानते हैं, क्या नाम है जी आपका? मोहिनी द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, ये बताइए आप कब आए थे शुक्रताल? आज सुबह आए। सुबह आए थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्या मनोकामना लेकर के आए थे शुक्रताल में आप? फिलहाल तो हम दर्शन के लिए ही आए हैं। अच्छा, बाकी है, क्या क्या दर्शन किए शुक्रताल? अभी दर्शन तो नहीं किए, लेट पहुँचे हैं। लेकिन अभी ये जो 5000 साल पुराना बरगद, जिसके विषय में भी जानकारी मिली है, अभी वो देखेंगे जो भी यहाँ पर होगा। नहीं, वो 5000 साल पुराना पेड़ नहीं है, महाभारत कालीन पेड़ है। अच्छा, जिसकी कोई गणना नहीं है वर्षों की। अच्छा, महाभारत कब हुआ था उसकी कोई गणना नहीं है, कोई इतिहास नहीं है इतिहास में लिखी कोई डेट। हाँ, पुराना है, महाभारत कालीन पेड़ है। तो बस अभी वो भी देखना है और बाकी आसपास के जो भी प्रसिद्ध मंदिर उनके सबके दर्शन करेंगे। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थान पे आई है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मतलब अपने को हम धन्य लोगों को अहो भाग्य थे जो ऐसी जगह मिली, क्योंकि लग नहीं रहा था कि हम लोग पहुंच भी पाएंगे। लेकिन खैर, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। पेड़ के बारे में जानकारी है आपको? वट वृक्ष है जो, ये वट वृक्ष पेड़ जिसे बरगद का पेड़ बोलते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, फिलहाल तो नहीं थी, लेकिन अब करेंगे जानकारी, अब जानकारी करेंगे जितनी बहुत मिल रही है बाकी, और अभी जानकारी करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ जी, ये जो पेड़ है, इधर आ जाओ, जो ये पेड़ है बरगद का पेड़, वट वृक्ष जिसे बोलते हैं, ये अमृत पेड़ है, अमर पेड़ है। यानी कि जब से ये लगा आज का इसका एक भी पत्ता नहीं गिरता, ये अमर पेड़ है। और इसी पेड़ के नीचे बैठकर वेद व्यास जी ने, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहानी सुनाई थी, ये जानकारी है आपको? ये जानकारी है, इसे उत्सुकतावश देखने आए हैं कि मतलब इतने वो पुराना जो था वो कौन सी जगह है, उसी को देखने आए। पहली कथा तो वही सुनी। हाँ, वही उन्होंने सुनाई, सबसे पहले 88,000 ऋषियों को इसी पेड़ के नीचे सुनाई है, तो वही देखने आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पलता शुक्ला है जी। शुक्ला जी, बताइए। हाँ, देवी जी कह रही है कि मैंने जो है पेड़ पहली बार देखा है। आपने पेड़ पहली बार देखा है? जी, मैं भी पहली बार आई हूँ। कैसा लगा है? बहुत आनंद आया, इसके शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ के तो इतना तपस्वी स्थली है, सुखदेव जी ने प्रथम कथा उनको सुनाई थी परीक्षित जी को, पहली पहली कथा भागवत की तो यहीं पर हुई थी, तो इससे अच्छे तपस्वी स्थली कहाँ हो सकती है। हम लोग तो गए कई यही सुन रहे थे, पहली अब देखा था यहीं सुनने आए। हम लोग का बहुत भाग्य पुण्य है कि हम लोग इतने ऐसे दर्शन करने आए हैं, ऐसे वट वृक्ष के दो भागवत कालीन है। ये राजा जन्मे जैसे भी जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल है, उन्होंने नाग यज्ञ किया था। जन्मेजय जी के, उनके उन्हीं के पुत्र है ना, तो उन्होंने उन्होंने भी तो यज्ञ कराया था यहाँ पर, नाग यज्ञ किया था उन्होंने। हाँ, नागों का सब गुलाब गमन सब खत्म किया था। हाँ, आज तीन आपने नाम बताइए पहले तो। प्रेमलता शुक्ला। प्रेमलता जी, कहाँ से आए आप? कानपुर से। सब कानपुर से? हाँ, सब कानपुर से हैं। पांडव पुत्र जो वो अर्जुन के पौत्र परीक्षित, तो उन्होंने यहाँ पे उनको जो श्राप मिला था, तो अपनी मुक्ति के लिए सुखदेव जी से उनने यहाँ पे कथा सुनी थी 7 दिन। यानी कि उन्हें सुखदेव जन्मेजय ने जो नाग यज्ञ किया था तो तक्षक उन्हें दर्शन के लिए आया था। आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रोका, आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को बंद करवाया। तो मतलब उसके वो फिर भी वो नाग आके फूलों में किसी तरह उनको जो था तो डस लिया था, उसी से उनका हुआ। और 7 दिन में इतनी अच्छी कथा सुखदेव जी ने सुनाई, प्रभु हम लोगों के अहो भाग जो वहाँ पे चरण पर है, कितने संतों के, कितने इतने मतलब पैतृक ये पूर्व काल का, कि हम लोग तो धन हो जाएंगे ये सब देख के। तो हम लोगों का तो जीवन यहाँ की रज लगने से मुक्त हो जाएगा, इतना यहाँ का वो है। तो इसीलिए हम लोग तो बहुत उत्सुक से जब से यहाँ की आने की तैयारी थी कि हाँ, बहुत मतलब बहुत अच्छा स्थल है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मानता है और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विनोदनी पांडे, मैं अभी पांडे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मुजफ्फरनगर जिला के शुक्र तीर्थ स्थल पे आए हैं। पहले तो आप बताइए आप कैसे हो?
हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। और कैसे आपका? बहुत अच्छा है। बहू बेटे सब? सब हमारे दो बेटे हैं, एक बेटी है, दो बहुएं हैं। बहुओं के बारे में बताओ आप मुझे। मेरी बड़ी बहू जो है वो बहुत अच्छी है, निफ्ट से उसने फैशन डिजाइनिंग का किया है और वो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन अब पहले थोड़ी दिन जॉब किया, अब तो आजकल गरीब पे। आपको परेशान तो नहीं करे? नहीं, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। क्या नाम है बहू का? नाम बताओ कैमरे के सामने। बड़ी बहू का नाम है शिवांगी पांडे और छोटी पांडे बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी। दूसरी रिया पांडे अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी। उसकी अभी शादी हुई, एक साल हुआ है। ये बताइए कि आपने अपनी बहू का नाम लेकर के ये बताइए जो करताल आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और हमने यहाँ का नाम बहुत सुना था और भगवान की कृपा है जो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। और मुझे बहुत गर्व है कि हम सबके साथ यहाँ पर आए हैं और यहाँ आनंद उठा रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? स्वतंत्र कुमारी गुप्ता। जी गुप्ता जी, आप कहाँ से आए? हम गोविंद नगर कानपुर। गुप्ता जी पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप हमारे जिले में आए हैं, सभी बहुत बहुत स्वागत है। आप ही बताइए शुक्रतीर्थ में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लगा और हम तो अचानक हमारा प्रोग्राम बना, किसी से सुन आए तो हम पहुँच गए। हमको भगवान लिवा लाए यहाँ तक। अचानक नहीं बना, आपको अचानक बुलाना था शुक्र तीर्थ में, आपको अचानक आना था। हमारे अंदर से बड़ा मन था। बनाया नहीं आपने प्रोग्राम? आपका समय यही था आने का, यहाँ पूरी जिंदगी गुजर गई? नहीं आया तो नहीं, नहीं। अब बुलाना था, आपकी डेट थी, अब आए। मेरे लगा आपको बहुत अच्छा लगा। मेरे शक्ति है नहीं है? शक्ति है, तभी यहाँ तक हम आ गए। और मेरे पति देव बहुत अच्छे हैं जिन्होंने भेज दिया। नाम क्या है पति देव का? ओम नारायण गुप्ता। उनका धन्यवाद करो, कैमरा ये रहा। उनका धन्यवाद है भाई जो उन्होंने उनको भेज दिया। और नहीं, नारायण कुमार गुप्ता जी का मैं धन्यवाद। अच्छा बोलिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओम नारायण गुप्ता को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझको यहाँ भेजा। मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। और भगवान ऐसे पति सबको मिले अच्छी। मुझे भी आपको पत्नी मिले मेरे जैसी, मेरे जैसी आप लोगों को जितने जेंट्स हैं सबको पत्नी मिले। आपको अच्छी पत्नी मिले अभी तो, आपको अच्छी पत्नी मेरे जैसी मिले, बहुत अच्छी। अरे तो अभी पत्नी होगी होगी। और भैया हम कहीं भी तीर्थ में जाते हैं, 10-20-15-20 लोग जाते हैं मिलके। ठीक, तो धन्यवाद, धन्यवाद। मनोज कुमार पांडे। मनोज कुमार जी आप कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर से अकेले आए हैं? जी, कैसा लगा? इस ताल का जो बटवच का जो वृक्ष है ये ऐतिहासिक भी है, अद्भुत भी है और देवस्थल तो है ही। यहाँ पे पक्षी, राजा पक्षी। कुछ जानकारी है पेड़ के बारे में आपको? जी बताइए। ये पेड़ जो है, इस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे जो है, राजा पक्षी ने भागवत कथा सुनी थी, सुखदेव जी महाराज ने उनको सुनाई थी और तब से ये परंपरा चली आ रही। लोग यहाँ आते हैं और नटवज के दर्शन करते हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेके जाते हैं, पूर्ण होती तो दोबारा फिर आते हैं। ये जो मेरे पीछे लोग आए हैं, श्रद्धालु हैं, ये कानपुर से आए हैं। इनका कहना है कि हम शुक्र तीर्थ में पहली बार आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगने के साथ साथ एक मेरे साथ जुड़ी थी विनोदनी पांडे। उन्होंने कहा कि मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। लगता तो मुझे है नहीं क्या झूठ बोले है सच बोले, लेकिन तीर्थ स्थान पे आके झूठ नहीं बोले। हाँ, ये बात मैंने इनके मुँह से ही कलवाई दोबारा। इसकी वास्तव में इसकी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। और